फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं ट्रक का जो रियल एक्सल होता है, आपने देखा होगा इस तरीके का। तो फ्रेंड्स हम इस एक्सल को बना के देखने वाले, वो भी एकदम सिंपली वे से। और इस एक्सल को बनाने में जो भी सामान यूज करने वाले हैं वो आपको एकदम नॉर्मल तरीके से दुकान में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा एकदम कंप्लीट देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और फ्रेंड्स आपको 100% गारंटी देते हैं उसका सामान आपको सब मिल जाएगा। और हमने इसे बनाने में जिस चीज़ का यूज़ किया वो एकदम फुल मेटल का है। तो फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी लोड डाल दो ये आपके गियर्स से बेकार होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा इस तरीके का। तो अभी हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, हम एक बनाने वाले हैं RC ट्रक। तो इसके फ्रेंड्स आपने जो फ्रंट एक्सल था वो भी हमने बना दिया था, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए फिर अभी हम इसको बना के देखते हैं हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड चैनल में नए हो तो वीडियो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स अभी इस रियल एक्सल को बनाने के लिए पहले हमें कुछ इस तरीके के गियर्स चाहिए होंगे, और फ्रेंड्स हमें कुछ छोटे गियर्स भी चाहिए होंगे और कुछ बैरिंग्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं मालूम है कि हम इन गियर को कहाँ से बाय कर सकते हैं, उन बैरिंग्स को, तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। सो गाइस मैंने इन सभी गियर्स को सिर्फ 10 रुपये में बाय किया था, आपको भी फ्रेंड्स 10 रुपये में मिल जाएंगे, वो भी एकदम नॉर्मल तरीके से, इसकी फ्रेंड्स फुल्टा गारंटी है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स वाले वीडियो आप जरूर देखना। तो सो गाइस मेरे पास यहाँ पर बैरिंग्स हैं जिनका नंबर है 608, और फ्रेंड्स इस तरीके में 5 पीस चाहिए बैरिंग के, तो आपको फ्रेंड्स रख लेने हैं। और फ्रेंड्स मेरे पास एक नट बोल्ट है जो कि फ्रेंड्स काफ़ी लंबा है, तो आपको ये फ्रेंड्स हार्डवेयर की शॉप में एकदम नॉर्मल तरीके से 10 रुपये में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने कागज़ को फ्रेंड्स लपेट रखा है, ये किस लिए लपेट रखा आपको भी मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो हमारे बड़ा वाला गियर है यहाँ पे ढीला आ रहा है, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे कागज़ का यूज़ करने वाले हैं। इस कागज़ में फ्रेंड्स पैपिंग लगा, अभी फ्रेंड्स एकदम सीधा घूम रहा है, तो अभी फ्रेंड्स क्या करना होगा हम इसमें एक वाशर डालेंगे और एक बड़ा सा नट बोल्ट डालने वाले हैं। और जो कि फ्रेंड्स का रियल बोल्ट था इससे हम इसे टाइट कर देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसके दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से टाइट कर देना है। यहाँ फ्रेंड्स हमें एक्स्ट्रा बोल्ट नहीं डालने हैं, तो इसे फ्रेंड्स बड़ी तरीके से आपको टाइट करना है, ढीला नहीं रखना है। तो इसे प्लायर की हेल्प से आपको बड़ी तरीके से टाइट कर लेना है, नहीं फ्रेंड्स बाद में आपका खुल सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हमें चाहिए होगा एक PVC पाइप का पीस जो कि फ्रेंड्स काफ़ी मोटा है, तो जो कि फ्रेंड्स हमारे पाइप होते हैं मैंने उसको यहाँ फ्लैट करके बनाया हुआ है। तो अभी हम फ्रेंड्स जो हमारी 608 नंबर की बैरिंग थी इस बैरिंग के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे अभी हमें होल करना होगा। तो सुबह अभी होल करने के लिए हम इसमें सोल्डिंग आयरन का यूज़ करने वाले हैं, तो सोल्डिंग आयरन से हम यहाँ पे सिंपल तरीके से इसमें होल करेंगे। और जो कि फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से अभी हो चुका है, तो जो हमारे सैंड पेपर होता है तो सैंड पेपर को हम इसके अंदर डालेंगे और इसे मूव करेंगे इस तरीके से। तो हमें इसे गोल गोल घुमाते रहना, इससे फ्रेंड्स क्या होगा रगड़ की वजह से यहाँ पर फ्रेंड्स गोल साइज बन जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप ये वाला तरीका यूज़ करके इसमें होल कर सकते हो। तो जो कि हमारी ये 608 नंबर की बैरिंग थी इसमें एकदम सिंपल तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है अभी ही फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ 4 पीसेस बना लिए हैं, जो कि फ्रेंड्स 2 पीसेस हमारे एक साइज़ के हैं, जो फ्रेंड्स ये बड़ा वाला पीस है एक साइज़ का, हमने इसमें एक में बैरिंग लगाया एक में बैरिंग नहीं लगाया। और जो फ्रेंड्स दूसरा वाला पीस है इसमें हमने एक में बैरिंग लगाया हुआ है एक में होल नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक नट बोल्ट का यूज़ किया है, जो कि फ्रेंड्स इसका आगे वाला हिस्सा था मैंने इसे ग्लेंडर से घिस दिया है, और जो हमारा छोटा वाला गियर है इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो जो गाइस हमारे यहाँ पे छोटा वाला पीस था इसमें हम एक बैरिंग और लगाने वाले हैं जो कि फ्रेंड्स एक ही साइज़ का है, तो अभी हम इसमें लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से जो हमारा छोटा वाला गियर है, तो इसको हम फुल्ली टाइट कर देंगे। और फ्रेंड्स आपको बड़ी तरीके से टाइट करना है क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर लोड इसमें ही पड़ने वाला है, तो इसे फ्रेंड्स प्लायर और चाबी की हेल्प से इसे टाइट कर देना है, जो कि फ्रेंड्स एक 14 नंबर की चाबी है। तो इसे फ्रेंड्स बड़े तरीके से टाइट करना है, इसे आपको ढीला नहीं रखना है। देखिए फ्रेंड्स हमारे बन के एकदम रेडी हो चुका है अभी। तो अभी फ्रेंड्स क्या करना होगा, जो हमारे बड़े वाला गियर्स है इसको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो जो गाइस हमारे छोटा वाला गियर है इसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे। सो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एकदम सीधे तरीके से लगाना है आपको, अगर आगे पीछे नहीं करना है, नहीं फ्रेंड्स ये बाद में आपका अटक सकता है या फेल हो सकता है। तो कुछ इस तरीके देखिए फ्रेंड्स आपको घुमा के देख लेना है एक बार, और इसे हम लगा देंगे फेविक्विक यहाँ पे कुछ इस तरीके से। बाद में फ्रेंड्स हम इसे बढ़िया तरीके से चिपकाएंगे, अभी लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो बड़ा वाला गियर है इस गियर्स को भी हम, सॉरी फ्रेंड्स बड़ा वाला जो पीस है तो इस पीस को भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसे फ्रेंड्स हम फेविक्विक से चिपका लेते हैं। सो गाइस इसी तरीके से अभी हम दूसरा वाला जो पीस है इसको भी हम चिपका लेंगे। तो इसके ऊपर हम सिंपल तरीके से यहाँ पर फेविक्विक डालेंगे, और जो हमारे छोटा वाला पीस है इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं। सो गाइस हम इसमें थोड़ा मोटा टेढ़ा भी कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स बाद में घिसाई के बाद एकदम अपने शेप में आ जाएगा। तो अभी फ्रेंड्स हमारे जो प्लास्टिक हमने घिसी थी इसके कुछ पार्टिकल निकले थे यहाँ पे, बुरादा सा निकला हुआ था, इसको हम डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर फेविक्विक लगा देंगे, इससे क्या होगा जो हमारे ये बॉक्स है ये फ्रेंड्स बड़ी तरीके से चिपक जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्टली फेविक्विक से चिपका दो तो ये फ्रेंड्स बाद में आपका निकल सकता है। सो गाइस आप जब भी इस प्लास्टिक को चिपकाएं इसे, तो इसमें फ्रेंड्स कुछ आप प्लास्टिक के पार्टिकल इसमें डाल देना, इसके बाद इसके ऊपर फेविक्विक डाल देना, और फ्रेंड इससे एकदम मजबूती से चिपक जाएगा, बाद में निकलेगा नहीं। तो जैसे कि अभी हमारे इतना बनके रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। तो इसकी फिनिशिंग करने के लिए हम ग्लैंडर यूज़ करने वाले हैं। तो इसका जो एक्स्ट्रा नट बोल्ट है इसको हमें कट कर लेना है, अपने साइज के हिसाब से आपको रखना, जितना आप बड़ा करना चाहते हो उतना बड़ा। अभी हम इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं, जो कि फ्रेंड्स हम ग्लैंडर से करने वाले हैं, तो आपको एकदम ध्यान से देखना है। We'll be right back.
देखिए फ्रेंड्स ये पहले फ्रेंड्स क्या था और अब क्या हो गया है, तो देखिए कितना बढ़िया लगने वाला और पहले कैसा लग रहा था ये। तो फ्रेंड्स आपको भी कुछ इस तरीके से बना लेना है। तो अभी हमें कुछ इस तरीके के पीवीसी पाइप के पीसेस चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पीस ले लिए हैं जो कि एक ही साइज़ के हैं। और अभी हमें कटा हुआ छोटा पीस चाहिए होगा, इसको हम सिंपल तरीके से इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा 608 नंबर का ये बैरिंग था इसको हम डालेंगे इसके अंदर। आपको ध्यान रखना है ये पूरा इसके अंदर चला जाना चाहिए और ज़्यादा इसके अंदर ना जाए, थोड़ा हल्का ऊपर निकला जाए। तो इसको हम बैरिंग को बाहर निकाल लेते हैं और इसको फेविक्विक से हम चिपका देंगे जो अंदर हमने प्लास्टिक लगाई है। तो चलिए फिर इसे हम चिपका लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें दोनों पीसेस बनाकर रेडी करने हैं। तो देखिए एक पीस हमारा बनकर रेडी है और फ्रेंड्स इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले पीस को भी बनाया हुआ है जो कि फ्रेंड्स एक ही साइज़ के हैं भी है। फ्रेंड्स आपको कोई भी छोटा या बड़ा नहीं करना है। तो चलिए फिर हम इसको भी यहाँ पर लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसे फेविक्विक से हम चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स सेम इस तरीके से मैंने दूसरे वाले को भी इस तरीके से चिपकाया हुआ है। तो गाइस अभी हम क्या करना होगा, जो हमारे इस तरीके का बुरादा निकला था प्लास्टिक का हमने जो घिसा था ग्लेंडर से, तो इसको भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसके फ्रेंड्स आपको एकदम पतले पतले तरीके से लगाना है। फ्रेंड्स अगर आप इन्हें नहीं लगाते हो तो बाद में आपका निकल सकता है अगर आप इसमें ज़्यादा लोड डालोगे। तो अभी हम इसे चिपका लेते हैं फेविक्विक से। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, हमारी प्लास्टिक बहुत ही मजबूती से चिपक जाती है, ये इसके साथ एकदम बड़ी तरीके से अटैच हो जाता है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें दूसरे वाले को भी चिपका लेना है। तो देखिए गाइस हमारा इतना बन के भी रेडी हो चुका है। तो अभी हम छोटा एक पीस लेना होगा जो कि फ्रेंड्स रेक्टेंगल साइज़ का है, तो इसको भी हम गर्म करेंगे इस तरीके से हल्का हल्का। तो आपको भी दिख रहा होगा फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का शेप बन गया सी टाइप में। तो चलिए फिर हम इसमें होल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसी तरीके के यहाँ पे छह होल कर ली है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ नट बोल्ट का यूज़ किया, इन नट बोल्ट को हम यहाँ पे सिंपल तरीके से कस देते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें पीछे वाला जो हिस्सा है उसको भी हम यहाँ पर लगाना है। तो गाइस यहाँ पे हम नट बोल्ट का यूज़ नहीं करने वाले, इसे हम डायरेक्टली फेविक्विक से चिपका देंगे। सिर्फ हमें एक ही तरफ इसमें नट बोल्ट का यूज़ करना है। फ्रेंड्स इसके अंदर जितना भी कचरा है इसको भी हमें साफ कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारी ग्रीस है इस ग्रीस को हम इसके अंदर डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारे ये गियर्स हैं एकदम बड़ी तरीके से स्मूथली चलेंगे, हमारे कहीं पर अटकेंगे नहीं और ना ही जल्दी घिसेंगे। तो देखिए आपको एक बार घुमा के देख लेना है एक बार, इसके बाद आपको इसमें नट बोल्ट कस देने हैं। एक्सल आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स चैनल में प्लीज वीडियो नीचे आपको जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वो फ्रेंड्स दबाना ना भूले। सो गाइस जैसे कि आपने चैनल में एक आरसी प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, सो गाइस पूरे यूट्यूब में हिंदी में कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स अगर आपको और भी इस पार्ट से रिलेटेड वीडियो देखना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद बंदे।